देखो जैसे एक हम यहाँ दूध की जाड़ी लाए हैं, दूध के भगोने पर जाड़ी धरने की, ये कॉर्नर लाए हैं भाई। और जो मैं केबिल लेने गया था वो तो राम राम भाई सबको, आपके अपने प्यारे चैनल पवार फैमिली व्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो भाई आज के इस व्लॉग में हम करने वाले हैं अपनी स्कूटी पे पेंट, क्योंकि भाई बहुत से लोग जो पुराने से पहले से देख रहे हैं वे उन्हें पता होगा कि भाई हमारी स्कूटी वाइट थी और हमने इसे ब्लैक करा था। तो इसका ओरिजिनल कलर भाई वाइट ही है और वाइट इस पर सूट भी करा है, और अभी वो फेड हो गया है। देखो जैसे यहाँ से आपको दिख रहा हो धूप में, ये भाई पता नहीं ये क्यों आए इस पर अब ये गंदा सा लगा लगा कलर थोड़ा सा। तो इसे ओरिजिनल ही कर देते हैं, अब की कंडीशन आप देख लो, फिर आप बाद की कंडीशन में आपको दिखा दूंगा। और पहले तो उतारना पड़ेगा भाई अंतर डिफॉल्टर जो लिखा हुआ था, इसका डी तो पहले ही उतार दिया था मैंने, ये उतारना पूरा। तो इसे उतारते हैं और करते हैं इस पर पेंट, अपने स्टैंड वगैरह लगाते हैं। उस स्टैंड पर फोन गिरने का भी वो रह रहा है भाई रिक्शे से थोड़ा सा, वो लगाते हैं ढंग तैयार करते हैं इस पर पेंट। या खड़ी देखो अपनी शेरनी, तो भाई न्यू क्यूब के करके कुछ ये पेंट आए हैं इबके नवे, तो इबके इंतजार करेंगे हैं क्यूब के, तो इन्हें करके देखते हैं इबके नवे आए तो देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स रहेगा इनका। टेप ले आया हूँ, चक्कू ले आया हूँ, जिस वो डिफॉल्टर ताड़ना पड़ेगा और स्टैंड अपना ही हो रहा। तो चलो कार्यक्रम को करते हैं शुरू। फिलहाल भी सारी स्कूटी पर पेंट कर दिया है मैंने, तो भाई फिलहाल मम्मी आ गई है। वाइट इस पर बढ़िया भी लगा है भाई, सूट करे, इसका ओरिजिनल कलर वाइट ही था। तो इसकी मम्मी के रिएक्शन लेंगे, कैसी लगी मम्मी? एक नंबर, एक नंबर। पर ये थोड़ा सा ये आना भी मार दिए कहां, थोड़ा सा यहां रह गया स्क्रैच सा, अब तो खत्म हो गया, खत्म हो गया। तो भाई अब आप भी देख लो स्कूटी कैसी लगी है, 1 2 3 देखो भाई आप भी स्कूटी देखो कैसी लग रही है, बताओ कमेंट में, पहले बढ़िया लग रही थी या अब बढ़िया लग रही? मम्मी सच सच बताओ भाई, मुझे भी बढ़िया लग रही। बाकी अभी देखो जैसे ये थोड़ा सा यहाँ कल को यहाँ बनवा दे घाटू बाबा का निशान, जैसे यहाँ थोड़ा सा अभी ये सूखा नहीं, जब ये पूरा सूख जाएगा नहीं जब बढ़िया लगेगा, यहाँ लग रही है निशान बिल्कुल भाई, जाओ घाटू भाई जाओ, ऐसा सुंदर लगेगा बहुत चल ना, जहाँ आपने पहले बताया वहीं। तो आज भाई कितने दिन की शिकायत मम्मी ने आज पूरी कर दी है कि पकवान नहीं बनाती, कुछ बढ़िया नहीं बनाती, कुछ स्वादिष्ट नहीं बनाती। आज मम्मी आलू की कचौरी बना रही है, आलू के परांठे और आलू की कचौरी का तो कोई तोड़ ही नहीं। हाँ तो मम्मी आज तो बहुत मेहनत कर रही, पर मम्मी ने हमें भाई कितनी गाली दी आज तड़की, बहुत ही लड़ाई करी जब मम्मी इस नतीजे पर पहुँची आज। कैसी लगी? बहुत बढ़िया, पर वे गाड़ी भी बहुत बढ़िया ही लगी थी तड़की की। हाँ ऐसे ही करे भाई मम्मी। तो ये भी देखो पोचा वगैरह लगाया है, पोचा लगाने के उसमें मैं ऐसी आदत में रहूँ भाई, मम्मी के हाथों में हो रही नहीं एलर्जी सी, तो इस वजह से मम्मी पे नहीं लगवाते पोचा। और ये देखो भाई कारा जी यार, एक ये वाला पंखा चला रखा है, ये वाला नहीं चला रखा क्योंकि गर्मा जा नहीं हो, तो दुकान वाले अंकल जो थे उन्होंने लुका था, और किसे ज़्यादा ना चला करो बंद कर दे करो, तो थोड़ी बहुत देर को हम जैसे मतलब एक घंटा चला तो 15 मिनट बंद कर दिया। और भाई मशीनरी है देखो, इतना तो होना भी चाह है नहीं मम्मी। हाँ वैसे दिन में तो मैं ज्यादातर इसे चलाऊं, रात में चलाऊं बड़ा, क्योंकि रात में बहुत गर्मी लगता, पर वो काना जी के हिसाब के लिए बहुत बेस्ट है वो। जो फिलहाल अभी बच चुके हैं भाई शाम के 8, और पूरे दिन में कुछ भी ब्लॉग नहीं हुआ आज भाई। एक तो साफ सफाई करी हमने, और फिर कुछ ऐसे ही हो रहा था मन भी आज, फिर सारे दोपहरे हम सारे सो गए थे, होल वगैरह साफ करके आए थे पहले मैं मम्मी, वहाँ बारिश आ गई थी तो छत वगैरह साफ करी, होल वगैरह साफ करा, आज हम घर की सफाई में थे। तो आज हमने क्या करा भाई, पहले तो मैंने सारी माड़ा तारी ही ना धोवाएंगे फिर लगावेंगे, धोती मम्मी ने धोती भाई माड़ा। और ये देखो कान्हा जी बैठे भाई, और
यहाँ मम्मी ने ये लाफिंग बुद्धा वगैरह ये बुद्ध जी और ये गमले गमले साफ करे हैं आज। तो आज हमारा थोड़ा सा ध्यान सफाई की ओर है, इसलिए आज थोड़ा व्लॉग रह गया। एक दिन को मम्मी सिस्सू पे और कपड़ा मारूंगा मैं सारू पे। हाँ, चित्तन से आ रहे सारू भाई। तो भाई यो जैसा कि आज आपको पता ही है, मम्मी ने 20 सालों के बाद आज कचौरी बनाई थी आलू की, तो वे खा के बहुत बढ़िया लगा। वहाँ भी मम्मी ने सस्ते में ही काम सा कर दिया था, भुज्जी नहीं थी, आलू नहीं पीस के रखे थे। जो अबे बेटा ऐसे बना जी, आलू हरी मिर्च हरा धनिया पीस के और हरी मिर्च पीस के और फिर सूजी और आटा मिला के जी भी बनाया थे पूरी कचौड़ी। पर भाई बढ़िया बढ़िया लगी, जो भी थी बढ़िया लग रही थी। आलू की अजवाइन वगैरह घेर रखी थी मम्मी ने, बढ़िया बना रखी थी। अरे भाई ये देखो मम्मी ने कमला भी साफ कर दिया है। अरे मम्मी फ्रिज के उसमें भी मम्मी को करंट लगा, मम्मी ने एकदम हाथ पीछे कर दिया। भाई हमारा ढेर पुराना हो गया फ्रिज, ये बदल लेंगे इसे जी, इसका समय आ लगा बदलने का। फिलहाल यही है खाने में आज बनेगा भाई हमारा दाल दाल लौकी तोरी। मम्मी तो लौकी कह रही थी फिर बनना, मम्मी को मना करी मगर दाल बना लो, मूंग मसूर की दाल बना ली भाई। आज तो मम्मी पूरी सफाई में है, फिर मम्मी ने कहेगी तड़की मेरी तो आज सारी दही में दर्द है, मेरे पे नहीं उठा जा रहा, फिर वो सारा काम मुझे करना पड़ेगा। अच्छा तुझे करना पड़े है, मैं ही करूं। बेटे मैं तो दवाई ले ले करूं पर मुझे करना नहीं पड़ता, रात भरी बोल रहा हूं। तो मैं बोली मका बिस्तरी को क्या दिखा नया लो, तो पांग बोले नहीं, तो मैंने ऐसा लाज उलाची का बिल्लन बिल्लन मार के पीछे उसके यूं चल पड़ा, जैसा बिजली ने झटका दिया तो यूं चल पड़ा। जी क्या पापा, तो पापा को आवाज पता चली छैन दे सी करा, कह रहे तो शेर का बच्चा फिलहाल अभी अगला दिन है यार। फिलहाल मैं और मम्मी आए हुए हैं भाई डॉक्टर के, मम्मी को दवाई लेनी थी और डॉक्टर के चेकअप करवाना था। मौसम देखो भाई काफी अच्छा है आज, यहाँ तो पेड़ भी हैं रास्ते पे, ढेर बढ़िया बढ़िया लग रहा। फिलहाल अभी खाना वगैरह खा के नहा धो के हम डॉक्टर के आगे थे, नहाना धोना करके खाना वगैरह खा के पूजा वगैरह करके अब हम जा रहे हैं भाई दूध की जाली लेने। पर एक मेरे चार्जर की अपने की अडेप्टर तो है भाई, वह लीड सी जो होकर है वो केबल वो ख़राब हो रहा है एक चार्जर का, एप्पल का ही चार्जर है, तो उसका केबल लाना है एक और दूध की जाली लानी है। है मम्मी अब यहाँ देखो भाई मम्मी पौधों में सारे दिन पौधों में ही लगी रहे हैं मम्मी तो बस। भाइयों फिलहाल अभी मार्केट से आ चुके हैं और भाई कुछ सामान लेके आए हैं, जो मैं लेने गया था वो तो आया नहीं, मम्मी के सामान आ गए हैं। पर देखो जैसे एक हम यहाँ दूध की जाली लाए हैं दूध के भगोने पर जाली धरने की, ये कॉर्नर लाए हैं भाई, और जो मैं केबल लेने गया था वो पैसे इतने खत्म हो गए थे, वो कुछ ज़्यादा ही महंगा बता रहे थे, जिनका मैं ले करूँ तो किसी और तरह ले लेंगे। फिलहाल अभी हमारे पास चार्जर है, वो तो एक एक्स्ट्रा पड़ा था मगर थोड़ी सी सस्ती आएगी तो हम ले लेंगे। है मम्मी लुटेरा है पर वो रवि ला कर देगा।